हेलो एवरीवन, सबको स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपका भाई डॉगी, हमारे मुलाकात कभी नहीं होगी। आज हम सीखेंगे वैग बैंड पे लूपिंग कैसे होता है। सबसे पहले प्ले स्टोर से वैग बैंड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद उससे ओपन करना है। अभी मल्टीट्रैक सिंथ रिकॉर्डिंग ऑप्शन जाना है। मेजर 50 एनबीपीएम 100 पे सेट करना है। अभी प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, उसके बाद ड्रम सेलेक्ट करना है। ड्रम सेक्शन पे ईडीएम हिप हॉप सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिकॉर्ड ऑन करना है एंड 1 मिनट तक बीट बजाना है इसी तरह। अभी रिकॉर्ड ऑफ करके बैक आना है। फिर से ड्रम पैड सेलेक्ट करना है। ड्रम सेक्शन पे इन्वेडर किट सेलेक्ट करना है। रिकॉर्ड ऑन करके बीट बजाना है। अभी रिकॉर्ड ऑफ करके बैक आना है। अब प्लस आइकॉन पे क्लिक करके कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड सेक्शन पे स्ट्रिंग एंसेंबल सेलेक्ट करना है। रिकॉर्ड ऑन करना है। अभी रिकॉर्ड ऑफ करके बैक आना है। फिर से प्लस पे क्लिक करके ड्रम पैड पे जाना है। अभी डांस ड्रम सेलेक्ट करना है एंड रिकॉर्ड ऑन करके बीट बजाना है। अभी कीबोर्ड सेलेक्ट करके रेव स्टैब सेलेक्ट करना है।
अभी रिकॉर्ड ऑफ करके बैक आना है। हमारा म्यूजिक बन गया। अभी बैक एंड सेव करना है। ये हमारा बनाया हुआ म्यूजिक है। इससे रीनेम करके MP3 को कन्वर्ट करना है। मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे कि वैक बैंड पे लूपिंग कैसा होता है। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। चाहे तो चेक करके देख सकते हो। इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कैसे करना है इस वीडियो देखी। ये दोनों वीडियो में सब कुछ कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ जानने के लिए वैक बैंड ट्यूटोरियल पार्ट 2 देखिए।